नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे सभी लोग बीते कुछ दिनों से घरों में ही दुबके हुए नजर आ रहे हैं। भले ही धूप निकल रही हो, लेकिन इस धूप का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ रहा है। आलम कुछ यूं है कि धूप निकलने के बावजूद लोग ठंड के कारण परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से ही लोगों को राहत की खबर की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल उत्तर बिहार में शीतलहर से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं जताई गई है। मंगलवार की ही बात करें तो तापमान में मामूली बढ़त हुई, लेकिन तेज हवा के कारण कनकनी बरकरार रही। आलम कुछ यूं रहा कि मंगलवार को भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले मरीजों के लिए ठंड आफत बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को शीतलहर के बीच न्यूनतम तापमान में 10 डिग्री सुधार देखने को जरूर मिला, लेकिन उत्तर बिहार की स्थिति में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ है। 24 घंटे के दौरान पटना का अधिकतम तापमान में सामान्य से 6 डिग्री तक की गिरावट ही दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 16.2 जबकि न्यूनतम 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर का अधिकतम तापमान 17.2 डिग्री और गया का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने तो 23 जनवरी को बारिश की संभावना भी जताई है। उसके बाद मौसम में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विद्यालय के मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि बारिश हल्की से मध्यम स्तर तक हो सकती है। इस बारिश के बाद उत्तर बिहार के मौसम में सुधार होगा, तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान ठंड बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ठंड से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मंगलवार को उत्तर बिहार का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सोमवार के तापमान से महज कुछ दशमलव अधिक रहा। वहीं मंगलवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सोमवार के न्यूनतम तापमान से 1 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के बावजूद शीतलहर का प्रकोप उत्तर बिहार में जारी है। इन सबके बीच लोगों को कपकपी का एहसास हो रहा है। मुजफ्फरपुर के साथ ही पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी जिले के नेपाल के तराई वाले इलाके में ठंड की स्थिति और गंभीर हो गई है। पिछले 24 घंटे में पटना, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। वहीं घना कोहरा भी देखने को मिला। विभाग की माने तो ठंड का असर अभी अगली बारिश तक बना रहने वाला है। अगली बारिश इसी 23 या 24 जनवरी को होने की संभावना जताई गई है। वहीं कुछ जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20 और 21 जनवरी को भी हल्के से मध्यम स्तर के बारिश के आसार जताए गए हैं, जिसमें प्रदेश के उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण मध्य भाग के कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है। इस अवधि में तेज पछुआ हवा चलने की भी संभावना है, जो ठंड में बढ़ोतरी का एहसास दिलाएगी। हालांकि लोगों को इस दौरान बीच बीच में धूप का एहसास तो होगा, लेकिन ठंडी हवा के कारण ये बेअसर साबित होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि अगली बारिश के बाद ही मौसम साफ होने और धूप में गर्मी आने की संभावना है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।